नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो का टॉपिक है हाइपर नॉर्मल सिरम मैग्नीशियम लेवल 1.7 पॉइंट सेवन टू टू मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होती है अगर सिरम मैग्नीशियम लेवल 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होती है तो उसे हाइपर बोला जाता है अगर सिर्फ मैग्नीशियम लेवल 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है तो उसे हाइपो बोला जाता है डाइट से एवरेजली 380 मिलीग्राम ऑफ मैग्नेशियम आता है और अप्रोक्सिमेटली 20 मिलीग्राम बाइल से एक्सक्रीट होता है इसमें से 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आता है टोटल बॉडी मैग्नीशियम में से कुछ ही पार्ट ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है और मेजोरिटी मैग्नीशियम टिश्यूज में स्टोर होता है टोटल बॉडी मैग्नीशियम अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर थाउजेंड मिलीग्राम होता है जिसमें से मेजोरिटी मसल्स बोन्स और ब्रेन में स्टोर होता है सीरम मैग्नीशियम की लेवल नॉर्मल रेंज में रखने के लिए स्टोर्ड और ब्लड स्ट्रीम के मैग्नीशियम में एक्सचेंज होते रहता है मैग्नीशियम मेनली किडनी से एक्सट्रेट होता है जो कि अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड मिलीग्राम पर डे होता है हाइपर के कॉजेस को समझते हैं रिनल फेल्यूर में मैग्नीशियम का एक्सक्रेशन कम हो जाता है एंटेसिड और लैग्जेटिव सस्पेंशन से मैग्नीशियम का एक्सेसिव इंटेक होकर हाइपर हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला लिथियम मैग्नीशियम का किडनी से एक्सक्रेशन कम करके हाइपर कॉज कर सकता है हाइपोथरजम एडिसल डिजीज और फेमिलियन हाइपो कैल्सियोरिक हाइपर कैल्सिमिया हाइपर मैग्नीशिमिया के कुछ रेयर कॉजेस हैं कैल्शियम और एब्सॉर्बेबल अल्कोलिस के ज्यादा मात्रा में इंटेक से इलेवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल मेटाबोलिक अल्कोलॉसिस और एक्यूट किडनी इंजुरी के ट्रायड के साथ मिल्कअल्कोली सिंड्रोम हो सकता है जिसमें हाइपर मैग्नीशीमिया कॉमन होता है लास्टली एक्सेसिव टिश्यू ब्रेकडाउन से लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होकर हाइपर हो सकता है यह सेप्सिस, शॉक लार्ज बर्न्स, कीमोथेरेपी और क्रश इंजरी केसेस में हो सकता है अगर इन केसेस के साथ रिनल फेल्यूर भी हो तो हाइपर काफी सीवियर हो सकता है हाइपर के मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स होते हैं हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम प्री सिनेप्टिक से एस्टाइल कोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का कम होना ये अर्लीस्ट साइन होता है फेशियल पैरेस्टिशियाज मैग्नीशियम के मॉडरेट राइज से हो सकते हैं फ्रैंक फ्लैसिड पैरालिसिस सीवियर हाइपर मैग्नेशियम के साथ हो सकते हैं रेस्पिरेटरी मसल के वीकनेस से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है आई मूवमेंट के मसल के वीकनेस की वजह से डिप्लोपिया हो सकता है इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल के वीकनेस की वजह से पैरालिटिक आईलियस हो सकता है नेक्स्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स। मॉडरेट हाइपर से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है लेकिन सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन सीवियर हाइपर से ही होता है सिमिलरली मॉडरेट हाइपर मैग्नेशिमिया से ब्रेडी कार्डियाज हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक सीवियर हाइपर से ही होता है एक्सट्रीम केसेस ऑफ हाइपर मैग्नेशिमिया से अरेस्ट भी हो सकता है हाइपर मैग्नेशिमिया के कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि डिस्या नोजिया वोमिटिंग और क्यूटेनियस फ्लशिंग हाइपर मैग्नेशिमिया में प्लेटलेट एडिजिवनेस थ्रोम्बिन जनरेशन टाइम और क्लॉटिंग टाइम में बदलाव के कारण कोएगुलोपैथी हो सकती है हाइपर मैग्नेशिमिया में पैराथेराड हार्मोन का रिलीज इनहिबिट होकर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है हाइपर मैग्नेशिमिया की ट्रीटमेंट हाइपरकेलीमिया से काफी सिमिलर होती है ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन से मैग्नीशियम इंट्रासीमुलरली मोबिलाइज होकर सीरम लेवल कम होती है किडनी से मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए फ्यूरोसेमाइड या टॉरसेमाइट जैसे लूप डायोरिटिक्स यूज कर सकते हैं टू थ्री आवर की हीमोडायलिसिस से मैग्नीशियम लेवल 50 परसेंट तक कम हो सकती है लेकिन हीमोडायलिसिस में मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम लेवल भी कम होती है जिससे हाइपर मैग्नीशियमिया के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को मैग्नीशियम के फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग